गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट ऐड। ऐड चैप्टर टू में एडिशन पढ़ रहे हैं। आज आपको फिफ्थ क्लास है, क्लास वन सी एल ए डबल एस क्लास क्लासेस वर क्लास वन एस U B J E C T सब्जेक्ट सब्जेक्ट की विषय सब्जेक्ट का क्या पढ़ना है स्टूडेंट? मैथमेटिक्स M A T H E M A T I C S मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स गणित। क्वेश्चन नंबर वन, ऐड है। ऐड में इसमें आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन से टेन तक यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं इसी को आपको हॉरिजॉन्टल रूप में ऐड करने के लिए सीखेंगे। टू डिजिट तक सीख चुके हैं, थ्री डिजिट का हॉरिजॉन्टल में सीखेंगे। आज ए क्वेश्चन नंबर ए, फोर प्लस थ्री प्लस वन देखेंगे स्टूडेंट्स भाई, इसको फोर थ्री वन क्या इससे ऐड किए जा सकते हैं? ऐड किए जा सकते हैं इससे, वेरी गुड, ऐड होंगे स्टूडेंट्स, देखेंगे पहले ही के जैसा। फोर थ्री ऐड करने के लिए जाने थे आप स्टूडेंट दो को ऐड करने के लिए कि फोर है तो वन टू थ्री फोर, फोर का मतलब यहां समझ जाते थे कि फोर है और थ्री फॉरवर्ड कर देते थे स्टूडेंट्स। थ्री क्या आगे फॉरवर्ड, तो वन टू थ्री, थ्री फॉरवर्ड करने पर यहां आपको मिल जाता था क्या सेवन, तो सेवन राइट कर देते थे स्टूडेंट। वही आपको यहां केवल एक वन बढ़ गया है तो यहां क्या करेंगे स्टूडेंट, वेरी गुड, यहां वन और फॉरवर्ड कर देंगे, वन और फॉरवर्ड करेंगे तो फोर में थ्री एड किए, यहां वन टू थ्री, थ्री फॉरवर्ड, थ्री फॉरवर्ड हुए आगे तो सेवन मिला, सेवन में वन और फॉरवर्ड करेंगे तो यहां आ जाएंगे, सेवन में वन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको एट आ जाएगा, क्या आ जाएगा एट, यहां क्या लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे एट लिखेंगे, वेरी गुड, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? उसी तरह से बी नंबर, बी नंबर में देखेंगे फोर प्लस जीरो प्लस फोर इक्वल टू व्हाट, ध्यान देंगे स्टूडेंट फोर और जीरो का ऐड पहले सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, या जीरो और फोर का भी सीख चुके हैं, तब ऐसे ही है स्टूडेंट, जीरो को यहां फॉरवर्ड नहीं करेंगे, यानी फोर है तो यहां फोर वन टू थ्री फोर, फोर के पास रुक जाएंगे, क्लियर, जीरो है तो जीरो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जीरो है तो वहीं रह जाएंगे फोर के पास, कोई दिक्कत, फिर आगे वो कितना फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट फोर, तो वन टू थ्री फोर, फोर फॉरवर्ड किए, फोर फॉरवर्ड किए तो क्या नंबर आया स्टूडेंट, वेरी गुड एट, क्या आया एट आया, कोई दिक्कत समझने में?
सी नंबर। थ्री प्लस वन प्लस फाइव, बनाइए इसको। बन गया, देखेंगे। थ्री है स्टूडेंट, कितने लोग बना लिए? वेरी गुड, थैंक। थ्री है, थ्री यहां, थ्री है तो थ्री यहां देखेंगे, थ्री यहां, वन टू थ्री, थ्री के बाद सिलेक्ट कर दिए, चलो चिन्हित कर दिए। वन फॉरवर्ड करना है तो वन फॉरवर्ड करेंगे तो क्या जाएगा? फोर आ जाएगा। चलिए वन फॉरवर्ड हो गया, वन फॉरवर्ड के बाद फाइव फॉरवर्ड और है तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फॉरवर्ड करेंगे तो यहां से नाइन के पास चलाया, तो आपको ऐड करने पर कितना मिला स्टूडेंट? वेरी गुड, नाइन। कितने लोग का था इतना सही? नाइन आया था, नाइन नंबर आया था, वेरी गुड, थैंक यू। फोर यहाँ क्या होगा? थ्री वन फोर, फोर और फाइव नाइन, क्लियर? कोई दिक्कत? समझ आ रही है? वेरी गुड, समझ पा रहे? समझ में एक क्वेश्चन देखेंगे, डी नंबर फाइव प्लस टू प्लस वन इक्वल टू, बनाइए। आई होप बनाए। तो फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के पास एक किए, टू फॉरवर्ड करना है, टू ऐड करना है स्टूडेंट, तो टू आगे फॉरवर्ड करेंगे, वन टू यहां हो गया, फिर वन और है फॉरवर्ड, वन और करेंगे तो एट के पास क्या हो गया? एट, एट हो गया। फाइव और टू सेवन, सेवन अवन एट, क्योंकि पहले भी फिगर के माध्यम से पढ़ चुके हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू और वन। अब फिगर को काउंट करके देख लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सही है, वेरी गुड। इसे और फास्टली बनेगा आपका मैथ। ई नंबर सिक्स प्लस वन प्लस टू इक्वल टू, सिक्स प्लस वन प्लस टू इक्वल टू, बनाइए। आई होप बना लिया हूं। कितने आपसे? वेरी गुड, थैंक यू, बना लिए। देखेंगे अब, समझेंगे। सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सिक्स के पास सिलेक्ट कर दिए, वन और फॉरवर्ड करेंगे, वन ऐड करना है तो वन फॉरवर्ड करेंगे तो वन सेवन हो गया, और टू फॉरवर्ड करेंगे और, क्योंकि प्लस टू है, प्लस टू यहां तो कितना फॉरवर्ड करेंगे? टू, तो वन वन टू, क्या मिला स्टूडेंट्स आपको? नाइन, क्या मिला? नाइन। कितने लोग कहा इतना आप जाएंगे? वेरी गुड, थैंक यू, समझ आ गया। ये नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड नंबर है एड ही है, लेकिन इसमें है वर्टिकली, रो वाइज एड, वर्टिकली ए नंबर थ्री प्लस टू प्लस वन, तो इसी पर बनाना है फिर स्टूडेंट। टेन नंबर के अंदर में ही इसका है, थ्री डिजिट के है, देखना है थोड़ा सा हार्ड है, इसको कैसे समझेंगे? यहां देखेंगे थ्री है तो वन टू थ्री, थ्री यहां पे, थ्री यहां पे क्या किया? सिलेक्ट कर दिया, चलिए थ्री हो गया, कोई दिक्कत। टू यहां फॉरवर्ड करना है, प्लस है तो प्लस है तो टू फॉरवर्ड करना है तो वन वन टू, तो कितना मिल गया? फाइव। थ्री और टू कितना होंगे? फाइव होंगे, थ्री के बाद टू और आगे बढ़ाए फोर फाइव, क्लियर है। फिर वन फॉरवर्ड, तो वन फॉरवर्ड करेंगे, क्या मिला आपको?
क्या मिला? वेरी गुड, 6 दिख रहा है। बी नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें 2 + 4 + 4 इसको देखेंगे, बनाइए, बन गया, बन गया सभी लोगों का हाथ है, कितने लोग बना लिए? वेरी गुड, थैंक यू। अब देखेंगे, मिलाइए, 2 है स्टूडेंट तो 1 1 2 2 के पास सिलेक्ट कर दिए, 4 और फॉरवर्ड करना है, 1 2 3 4 4 फॉरवर्ड कर दिए, फिर प्लस 4 है तो 4 फॉरवर्ड और करेंगे, 1 2 3 4 4 लास्ट में कितना मिला है आंसर स्टूडेंट्स? 3, 2 + 4 = 6 और 6 × 4 कितना होता है स्टूडेंट? 3। कोई दिक्कत समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सीना सी नंबर देखेंगे, 6 + 0 + 4 2 + 1 + 7 बनाइए, बन गया होगा, कितने लोग बना लिए आप खाएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। देखेंगे, ध्यान देंगे, 6 है स्टूडेंट्स तो 1 2 3 4 5 6 6 यहां है, सिलेक्ट कर दिया स्टूडेंट, यहां तक किसी को दिक्कत? फिर 0 है तो 0 फॉरवर्ड नहीं करते, 6 के पास ही रुक जाते, क्योंकि 0 से आगे फॉरवर्ड नहीं, 1 भी रहेगा तभी फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। फिर 4 है तो 4 1 2 3 4 4 4 फॉरवर्ड किए तो कितना आया स्टूडेंट? 10। कितना आया? 10। हां 10, कोई परेशानी? जैसे 6 और 4 आपको जब फिगर के माध्यम से भी करते थे तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 फिर 4 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐड कर देते थे काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, कोई दिक्कत? वेरी गुड, समझ आ रही है सबको? आगे देखेंगे डी नंबर में, 2 1 7 2 1 7 तो 2 2 यहां देखेंगे स्टूडेंट, 1 1 2 है तो 2 क्लियर हो गया, 2 के बाद 1 है तो 1 फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट, 1 फॉरवर्ड करेंगे, यहां होगा 3 के पास चला जाएगा, 2 + 1 = 3 होता है, 2 2 के बाद 3 तो ऐड किए तो 3 हो गया। चलिए 7 है तो 7 फॉरवर्ड और करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कितना है स्टूडेंट? वेरी गुड, थैंक यू, सभी लोग का सही है, मिला लिए, कोई दिक्कत नहीं, भाई इसी तरह से बना के आएंगे स्टूडेंट। वेरी गुड, इसी आधार पर बना के आप लोग और आएंगे, एच डब्ल्यू दे देते हैं। एड में ए नंबर 2 + 3 + 4 = बी नंबर 6 + 1 + 3 = सी नंबर 3 + 7 + 0 = डी नंबर 3 + 1 + 5
इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एडी करना है, ये रो वाइज है, ये कॉलम वाइज है, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। टू प्लस वन प्लस सेवन, टू वन सेवन, क्लियर। बी नंबर जीरो वन एट, सी नंबर टू प्लस थ्री प्लस फाइव, डी नंबर वन प्लस सिक्स प्लस थ्री। सब बना लेंगे स्टूडेंट, सब समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ओके, थैंक यू।